राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल प्रिया अक्षत ब्लॉग में। बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, मैंने शाम की पूजा मेरी हो गई थी और यहाँ मैंने बेल के वृक्ष में भी दिया लगा दिया। ये बेल का पौधा है, इसमें भी मैंने दिया लगा दिया। शाम का टाइम हो रहा था, 6:30-7:15 के करीब हो रहे थे, तो फिर मैंने अक्षत के लिए मखाने फ्राई कर दिए थे, वो मखाने खा रहा था। और ये तो मैंने सेव थे, नमकीन होता है जो सेव, तो उसमें मैंने टमाटर प्याज वगैरह डाल के सेव की चाट जैसे बनाई थी। प्याज टमाटर हरी मिर्च काली मिर्च चाट मसाला नींबू और सॉस डाल के बहुत टेस्टी लग रहा था। हाँ, इसमें अगर वो मुरमुरे बोलते हैं ना, जो पफ राइस जो होते हैं, वो भी अगर होते तो वो भी हम इसमें डाल सकते थे, तो अच्छे लगते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे करके इसमें हम सब डाल देंगे मसाले। मसाले मतलब वही चाट मसाला हो गया, नमक काला नमक वगैरह, और थोड़ी सी सॉस वगैरह भी डाल देंगे तो उससे अच्छे लगते हैं। देखिए कितना बढ़िया। तो शाम के टाइम हम लोगों ने ये खाया था। उसके बाद फिर मैंने खाने की तैयारी करी थी। 7:30 तक मैंने कर बनाए थे, मतलब खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, जो जिसमें मैंने बैंगन आज बना रही थी मैं, मसाले वाले बैंगन सिंपल तरीके से, मतलब जैसे मैं बनाती हूँ उस वो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो देखिए ये बैंगन है, इसमें पहले मैं धो के मैंने रख दी है। अब मैं इसमें मसाले की तैयारी कर रही हूँ। प्याज टमाटर का मसाला मैंने पीस के रख लिया था, अदरक लहसुन प्याज टर, और ये सूखे मसाले हैं जो हम इसमें बैंगन में लगाएंगे। इससे ये होता है कि थोड़ा बैंगन का अंदर जो फ्लेवर है अच्छा आता है उससे। तो ये देखिए मैंने सूखे मसाले जो रेगुलर मसाले होते हैं वो ले लिया, उसमें नमक डाल दिया है। अब हम इनको काटेंगे एक एक करके और अच्छे से देख लेंगे कि इसमें कीड़े तो नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक कीड़े नहीं है, तो हम इसको काट लेंगे और फिर इसमें एक एक करके हम सारे उसमें मसाला भर देंगे। ये देखिए, और इसमें मैं डंठल अलग नहीं करूँगी क्योंकि ये ऐसे ही अच्छा लगता है इसमें लगा होता है। आप अगर अलग करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किए थे क्योंकि हम ऐसे ही बनाते हैं। और फिर अब मैं इसमें एक एक करके अच्छे से मसाला भर दूँगी। चाहे तो आप मूँगफली का भी मसाला बना सकते हैं पीस के, प्याज टमाटर के साथ मूँगफली भी डाल सकते हैं वगैरह। तो मैंने नहीं डाला था, मैंने इसको जैसे मैं बनाती हूँ वो रेसिपी मैंने शेयर करी। फिर मैंने एक एक करके सारे मसालों मतलब बैंगन में मसाला भर दिया था। इनमें से एक बैंगन मतलब ख़राब निकला था, वो मैंने अलग रख दिया था। सारे मसाले मैंने देखो भर दिया है। देखिए कितने सुंदर, और ये मैं आपको दिखा रही थी कि जो ख़राब निकला था उसे मैंने अलग कर दिया। यहाँ प्याज टमाटर हो रहा है, भून रहा है। इसमें हम एक एक करके सारे मसाले अपने डाल देंगे, रेगुलर मसाले, हल्दी नमक लाल मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला। गरम मसाला हम बाद में डालेंगे, सब्जी मसाला डाल देंगे, उसके बाद गरम मसाला थोड़ा सा ही हम बाद में डालेंगे। ये देखिए मैंने इसको मसाले को अच्छे से भुनने देंगे, और जब ये भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें बैंगन डाल देंगे। और फिर बैंगन डालने के बाद भी हम थोड़ा उसको मतलब ढक के पकाएंगे बैंगन को, एकदम से उसमें सीटी नहीं लगाएंगे। अच्छे से मतलब मसाला भून के बैंगन भी डाल देंगे, तो जिससे अच्छा मतलब फ्लेवर आ जाता है, मसाला अंदर तक चला जाता है। और जब तक मैं आटा गूंदने की भी तैयारी कर लूँगी, यहाँ मैं आटा गूंद के रख दूँगी धीरे धीरे। उसमें मैंने इसमें थोड़ा नमक भी डाल दिया था। और धीरे धीरे देखिए आटा मैं गूंद के रख दूँगी। पहले आटा मैं इसको एक साथ ऐसी करके रख देते हैं, उसके बाद थोड़ी देर इसको 10-15 मिनट हम इस तरीके से कर दें, उसके बाद हम इसको बाद में अच्छे से मस लेंगे, तो फिर चिकना हो जाता है आटा। तो उसके बाद हम उसमें आटा मतलब गूंद के रख देंगे थोड़ी देर। यहाँ मैंने दूध भी चढ़ा दिया था गैस पे, अब मसाला भुन गया था, तो अब हम इसमें एक एक करके बैंगन डाल देंगे। ये देखिए बैंगन भी मैंने डाल दिया, वो अच्छे से भून लेंगे ताकि अच्छा मतलब उसके अंदर मसाला पूरा अच्छे से चला जाता है इस तरीके से करने से मसाला। और थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं इसमें डाल दूँगी जिससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके बाद मैं उसको रख दूँगी ढक के, मतलब अच्छे से वो सिम पे उसमें होता रहेगा, तो मसाला भी अंदर अच्छे बैंगनों में चला जाएगा। और अब धीरे धीरे हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद ढक के रख देंगे, और फिर इसमें सीटी लगाने के लिए हम इसको छोड़ देंगे।
सर्व कर दिया था इनके लिए रोटी, अक्षत के पापा के लिए रोटी सेकी थी और अक्षत पराठा खाना चाहता था तो उसके लिए पराठे बनाए थे। ये देखिए पहले बोल रहा है और उसको भी बैंगन खाता नहीं है लेकिन उसको अच्छे लगे मसाला बैंगन, उसके लिए बनाए थे। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये देखिए अभी रिव्यू देगा ये देखिए उसको टेस्टी लगा तो रिव्यू। बाय।